तो सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए काइन मास्टर ओपन हो रहा है। यहाँ पर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो सेंटर में प्लस बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3:16:9 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर सबसे ऊपर में मीडिया हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर्स हैं जिसमें वीडियो या फिर फोटोज़ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है और उसमें से जो भी वीडियो आप चाहते हैं सेलेक्ट करना या फिर फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कीजिएगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा टाइमलाइन में। तो चलिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो और एक वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ एडिट करके आपको बताएंगे सारे ऑप्शन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मीडिया में जाते हैं और एक वीडियो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और ये इंपोर्ट होकर टाइमलाइन में आ गया है। दोस्तों ये जो नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे टाइमलाइन बोलते हैं। यहीं पर हम जो भी मीडिया होता है फ़ोटो या फिर वीडियो को इंपोर्ट करके लाते हैं। और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, एक लंबी सी लकीर, इसे प्लेहेड बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल करेंगे हम ऑप्शन का वो है पैन एंड जूम। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो फ़ोटो हमने लाया है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देते तो ये हाईलाइटेड हो जाता है। हाईलाइटेड होने के बाद आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं जो आप फ़ोटो के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर सीजर के बगल में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है पैन एंड जूम का। दोस्तों पैन एंड जूम का इस्तेमाल हम करते हैं फ़ोटो को क्या करने के लिए, जूम करने के लिए। बहुत सारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में आपने देखा होगा वीडियो जो है जूम इन हो के आता है, यानी कि पूरा जूम हो के आता है और धीरे धीरे जूम आउट होता है, तो एक स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाई देता है। उसके अलावा आप कोई पोर्शन को हाइड करना चाहते हैं किसी वीडियो से या फिर फ़ोटो से, तो इसके लिए भी आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब पैन एंड जूम ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पोजीशन और इंड पोजीशन दिखाई देगा। अब आपको तय करना है कि स्टार्ट पोजीशन क्या होगा और इंड पोजीशन क्या होगा। अगर दोनों पोजीशन अलग होगा तो आपका फ़ोटो जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जैसा कि हम करके देखते हैं। अब जूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम दोनों उंगलियों से इसे जूम करेंगे। अब यहाँ पर हमने जूम किया और जूम करने के बाद नीचे का जो पोर्शन था उसको हमने हाइड कर दिया और ऊपर में जो सिर्फ पहाड़ है, जो पहाड़ी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन इंड पोजीशन में जो है क्या, वो जो ओरिजिनल फ़ोटो था वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो देखिए कैसा दिखेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा कर दिया, अब इसे प्ले करके देखते हैं। इसे प्ले किया तो देखिए ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है फ़ोटो। स्टार्ट पोजिशन में हाइट दिखाई दे रहा था जो नीचे का पोर्शन था, लेकिन इंड पोजिशन में जो है वो ओरिजिनल फ़ोटो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नीचे का पोर्शन हाइड ही रहे और फोटो चलता हुआ दिखाई दे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों में जो है आपको जूम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम जूम कर देते हैं, लेकिन इतना ही जूम करते हैं जिससे कि हमारा नीचे का पोर्शन हाइड हो जाए और ये फ़ोटो अब आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप प्ले करके देखते हैं तो ये जब हमने प्ले किया तो देखिए ये फ़ोटो जो है आपको धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हैं तो जूम इन और जूम आउट जो है दोनों का पोजीशन आपको कुछ ज़्यादा चेंज करके रखना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे अगर हमने ऐसा कर दिया, अब देखिए यहाँ पर ये जो है अब ये ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है ये फ़ोटो, अब आपको दिखेगा धीरे 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 ये चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारा पोजीशन जो है वो एक ही रहे, फ़ोटो हमें चलता हुआ दिखना नहीं है, अगर अब आप ये चाहते हैं कि फ़ोटो चलता हुआ नहीं दिखाई दे, पूरे फ़ोटो में जो है नीचे का पोर्शन हाइड रहे और एक जैसा ही रहे, या फिर वीडियो में भी आप यही चाहते हैं कि पूरा पोर्शन जो है वीडियो का उसमें से कुछ पोर्शन हाइड रहे, तो उसके लिए आप जूम इन कर देंगे और जूम करने के बाद जो पोर्शन हाइड हो गया उसके पूरे में अगर उसी तरीके का चाहते हैं तो वहाँ पर इज इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट और एंड पोजीशन के बीच में इज इक्वल टू है, उसमें कर देंगे क्लिक और उसके बाद प्ले करके देखेंगे तो अब ये चलता हुआ नहीं दिखाई देगा और एंड में आपका जो है वही दिखाई देगा जो स्टार्टिंग में था। ओके चलिए दोस्तों, तो हमने पैन एंड जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीख लिया।